पिलाने गई तो बोली जो गिलास ला तो हमरा दिखाई न दे छो। अच्छा तो उनका गिलास से पानी पिला दी, उसके बाद में फिर सुला दी, सो जाने के बाद उनको नींद नहीं पा। अच्छा जी कहाँ गए अब सर जी? अब कोई आहार नहीं है, पेटू पूजा नहीं चल सकता है, चार लड़की है, ये मरई के घर है, कुछ आहार नहीं, हम लोग तो वही खाना पीना खिलाना। भाई आप खुद ही देख रहे हैं किस तरीके से परिवार दुखी हैं, पीड़ित हैं, जहाँ पे छठ मन रहा चाहिए मन रहा होना चाहिए था वहाँ पर मातम बिखरा हुआ है। इसके जिम्मेदार कौन है, ये जिम्मेदारी तय करने का समय है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की नाक के नीचे ऐसी घटनाएं प्रदेश में हो रही हैं। आप बोलते हैं कि भैया जिसने शराब पी वो दोषी है, आप तो एक्शन के रिएक्शन के ऊपर आप काम कर रहे हैं। भैया जो एक्शन है उसके ऊपर उसकी उसकी रूट कॉज तक कौन जाएगा, कौन ये पता लगाएगा कि भैया ये अवैध शराब आ कहाँ से रही है या ये जहरीली शराब बन कैसे रही है, इसका उत्पादन कौन कर रहा है, वो तस्कर कौन है, और क्या ये संभव है कि इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर जहरीली शराब का उत्पादन हो रहा हो या अवैध शराब यहाँ पर आ रही हो और शासन प्रशासन के लोगों को इस बात की जानकारी नहीं हो। अगर उनको जानकारी है और उनकी नाक के नीचे ये सब हो रहा है तो भैया किसका संरक्षण प्राप्त है? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रदेश के मुख्यमंत्री होने के साथ साथ गृह मंत्री भी हैं, और अगर उनके नाक के नीचे उनके प्रशासन तंत्र के लोग अगर इस तरीके की घटना को अंजाम दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री का भी उनको संरक्षण प्राप्त है। तो जब तक इसमें कार्रवाई नहीं होगी, इसमें मुख्यमंत्री को आना चाहिए था यहाँ पर। भाई चुनाव होते तो सबसे पहले मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुँचे होते, उनके मंत्रिमंडल के सारे लोग यहाँ पर पहुँचे होते, पर क्योंकि चुनाव नहीं है तो दुख की घड़ी में कोई बिहारी जिए या मरे, मुख्यमंत्री उनके मंत्रियों को इससे फर्क नहीं पड़ता। नीतीश कुमार तो लगातार पूर्ण शराबबंदी का दावा कर रहे हैं। भाई ये पूर्ण शराबबंदी हर कोई जानता है, भाई हर कोई जानता है। आप खुद अगर मैं आपसे पूछूंगा आप भी ये बोलेंगे कि भैया शराब मिलना तो दूर की बात है, होम डिलीवरी हो रही है, हर कोई इस बात को जानता है। सिर्फ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को नहीं पता, क्यों? क्योंकि वो अपने हवा महल में रहते हैं, महल से बाहर निकलेंगे तो उनको हकीकत पता चलेगी। करें समीक्षा, पर महल में रह के समीक्षा नहीं होती, जमीन पर उतर कर समीक्षा होती है। बिल्कुल नहीं, जब तक आप बड़ी कार्रवाई नहीं करेंगे, इसके रूट कॉज तक नहीं जाएंगे, जब तक चिन्हित नहीं करेंगे कि कौन लोग हैं जो इसके उत्पादन में या जो इसके तस्करी में जो लोग सम्मिलित हैं, जब तक उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होगी, बड़ी कार्रवाई नहीं होगी, ये ऐसे ही होता रहेगा। हम लोग चाहते हैं कि भैया पीड़ित परिवार को मुआवजा मिले, 25 लाख रुपए का मुआवजा मिले, साथ में एक सरकारी नौकरी मिले, घर का एक कमाऊ सदस्य गया है। ज़रूरी है कि घर में एक भाई कहीं कहीं पे शादी है, कहीं पे बच्चों का एडमिशन है, मुझसे जितना व्यक्तिगत तौर पर हो पा रहा है मैं कर पा रहा हूँ।